सफाई को लेकर इंदौर रेलवे स्टेशन पर भी लगातार विशेष व्यवस्था की जा रही है। साथ ही यात्रियों और कर्मचारियों को हिदायत दी गई कि यदि प्लास्टिक का उपयोग करते पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जहां एक और इंदौर सफाई में तीसरी बार नंबर 15, वहीं इस मामले में इंदौर रेलवे स्टेशन अब भी काफी पीछे है। तुरंत अधिकारी लगातार प्रयासरत है कि सफाई के मामले में इंदौर रेलवे स्टेशन प्रथम स्थान पर रहे। इसको लेकर लगातार सफाई व्यवस्था पर पूरे स्टेशन परिसर में ध्यान दिया जाता है। जगह जगह डस्टबिन लगाए गए हैं, जिससे लोग इधर उधर गंदगी ना फैलाएं। साथ ही अब प्लास्टिक के उपयोग पर भी स्टेशन परिसर में पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है और लगातार इस बात का ध्यान दिया जाता है कि कहीं कोई इसका उपयोग तो नहीं कर रहा। वह अधिकारियों के साफ शब्दों में कह दिया कि गंदगी और प्लास्टिक अब सहन नहीं की जाएगी। यदि कोई भी यात्री व रेलवे का कर्मचारी इसका उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, भारतीय रेलवे पर स्वच्छता ही सेवा के तहत इस बार हम लोगों का मेन कंसेप्ट था सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह से बैन रेलवे प्रमाइसिस में, रेलवे स्टेशंस पे और ट्रेन के अंदर। तो उसके लिए हम लोगों ने वेस्टर्न रेलवे पे सभी स्टेशंस पे ये हिदायत दे रखी है और चेतावनी दे रखी है, अगर कोई सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करता है तो उसको तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और उसको 200 से लेकर 500 रुपये तक एट ए टाइम जुर्माना किया जा सकता है। और इसके लिए रेल प्रशासन पूरी तरह से वचनबद्ध है कि इस तरह का उपयोग, प्लास्टिक का उपयोग नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे वातावरण के लिए बहुत ही हानिकारक है और इससे जितनी जल्दी हम लोग निजात पाएँ वो बेहतर है। इसी के तहत पूरे स्टेशन प्रमाइसिस में, रतलाम मंडल के सभी स्टेशन पर ये बैनर लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं और हिदायत दी गई है।